हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लंडन पेनिट्रेशन थे। तो जब हम किसी सुपर कंडक्टर को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उसकी सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो और वह नॉर्मल कंडक्टर हो जाता है। तो इसी रिगार्डिंग उसने टू साइंटिस्ट यहाँ पे एफ लंडन एंड एच लंडन, ये दो साइंटिस्ट इसमें पाया कि जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड करते हैं तो सडनली जीरो नहीं होता। जैसे किसी यहां पे सडनली जीरो नहीं होता, अगर ये सुपर कंडक्टर यहां पे है तो जब भी कोई क्या करते हैं यहां पे हम लोग अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसके सरफेस पे ये सुपर कंडक्टर के सरफेस पे सडनली वो ड्रॉप टू जीरो नहीं होता, बल्कि यह कुछ डिस्टेंस तक इसको पेनिट्रेट करता है। यहां तक सपोज कि यहां से कुछ ना कुछ डिस्टेंस तक इसको पेनिट्रेट करता है, तो जितना डिस्टेंस तक वो पेनिट्रेट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ। इसको बोलते हैं लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ कहते हैं, लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ कहते हैं, जितना डिस्टेंस तक वो इफेक्टिवली पेनिट्रेट करता है। और यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अगर एच नोट था तो यहाँ पे अगर 1/E टाइम्स जितना हो जाता उसी को हम लोग बोलते हैं लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ। तो ये डिके होता है मैग्नेटिक फील्ड विथ डेप्थ, उसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे डिके ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का डिके विथ डेप्थ कहिए या विथ डिस्टेंस कहते हैं इन सुपर कंडक्टर, किसी सुपर कंडक्टर में। तो ये गिवन होता है, यहां लेते हैं इज गिवन बाय ये एच इक्वल टू यहां पे एच नॉट ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन लैम्डा होता है। ये कितना डिस्टेंस पर एक्स डिस्टेंस है इसको एच एक्स कर देते हैं, ये जो डिस्टेंस एक्स है ये अगर एक्स लेंगे तो एक्स डिस्टेंस पे जितना डिस्टेंस पे पेनिट्रेशन होगा तो डीके होता है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है। अब यहाँ पे एच एक्स कितना हो गया, तो ये जो एच एक्स हो गया है ये है फील्ड का वैल्यू हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कितना रह जाएगा, तो डीके होता है एक्सपोनेंशियल डीके होता है, तो ये एट डिस्टेंस एक्स या एट डेप्थ यहाँ लिखे तो एट डेप्थ लिखते हैं एट डेप्थ एक्स, एक्स डेप्थ पे फील्ड का वैल्यू मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ये एच नॉट है तो एच नॉट यहां पे सरफेस होगा कि डेप्थ जीरो, तो एट सरफेस मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। और ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा है यहां पे ये पेनिट्रेशन डेप्थ कहते हैं, इसी को कहते हैं लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ, लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ। और ये एक्स हो गया कितना डिस्टेंस पे पेनिट्रेट किया हुआ, इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ, एक्स डेप्थ पे कितना, तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहां पे क्लियर हो जाएगा। ये लंडन लैम्डा है, लंडन एल लैम्डा ऐसा होता है लंडन पेनिट्रेशन, ये डीके का फॉर्मूला कितना डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पे अगर डेप्थ पेनिट्रेट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब यहां पे हम लोग एक्स इक्वल टू लैम्डा लेते हैं, यहां पे एक्स इक्वल टू अगर लैम्डा लेते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा, अगर एक्स इक्वल टू यहां पे हम लोग लैम्डा कर देते हैं डिस्टेंस एक्स पे कि पेनिट्रेशन डेप्थ कितना कहते हैं लैम्डा डिस्टेंस को, अगर एक्स इक्वल टू लैम्डा तो यहाँ पे एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये था एच नॉट और इनटू ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इनटू लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एच इक्वल टू एच नॉट ई टू दी पावर माइनस वन, तो इक्वल टू यहाँ पे एच नॉट अपॉन ई। इसका मतलब यहाँ पे कि 1/E टाइम जितना हो जाता है,
ये कि पेनिट्रेशन डेप्थ कितना हो गया कि वन बाई इसको वन बाई ई टाइम्स एच नॉट। तो सरफेस पे जितना था उस सरफेस का वन बाई ई टाइम्स जितने डिस्टेंस पे होता उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ कहते हैं। तो यहीं पर जो सरफेस के यहाँ पर जितना था ये हो गया, अगर हम लोग एच नॉट लेते हैं और यहाँ पे जे सरफेस पेंट्रेस करता है मतलब सरफेस से बाहर जितना बाहर से होता है उसका वन बाई ई टाइम जितने डिस्टेंस पे होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ लैम्डा। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लैम्डा कहता है। जैसे स्किन डेप्थ हम लोग यहाँ लेते थे डेल्टा लेते थे उसी तरह यहाँ पे हम लोग लेते हैं यहाँ पे लैम्डा लेते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियली डीके होता है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसका रिलेशंस होता है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू ये टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन होता है यहाँ पे टी टेम्परेचर पे जो पेनिट्रेशन डेप्थ कितना होगा तो यहाँ पे टी केल्विन पे तो जीरो केल्विन पे जितना होता है तो वन अपॉन और ये रूट अंडर वन माइनस टी अपॉन टी सी का होल फोर होता है। लेमडा टी इक्वल टू लेमडा नॉट वन अपॉन टी माइनस टी सी का यहाँ पे पावर फोर। तो ये लेमडा नॉट हो गया पेनिट्रेशन डेप्थ एट जीरो के लिए, ये जो हो गया लेमडा नॉट ये भी पेनिट्रेशन डेप्थ है। पेनिट्रेशन डेप्थ एट जीरो के लिए ये लैम्डा टी हो गया पेनिट्रेशन डेप्थ एट टी केल्विन, टी सी हो गया क्रिटिकल टेम्परेचर, ये हो जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर और टी हो गया टेम्परेचर किसी टेम्परेचर पे तो जितना टेम्परेचर रहेगा उतना ही टेम्परेचर पे यहाँ पे पेनिट्रेशन डेप्थ है। तो ये भी इस पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब यहाँ इससे पहले ग्राफ के फॉर्म में देखें तो ये जो था वन बाई ई टाइम्स वाला कि जितना डिस्टेंस पे होता है वन बाई ई टाइम्स उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पेनिट्रेशन डेप्थ। तो उसका जो ग्राफ हम बोल लेते हैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं डायग्राम तो इस टाइप का था, ये एक्सपोनेंशियली डीके होता है। तो जितना सरफेस पे इंटर होने से पहले था सपोज कि यहाँ पे एच नोट हम लेते हैं और यहाँ पे डिस्टेंस ये एक्स डिनोट करता है तो ये एक्स डिस्टेंस हो गया। और यहाँ पे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है ये वैल्यू कम होता जाएगा। तो जितने डिस्टेंस है यहाँ पे सपोज कितने डिस्टेंस पे इसका वैल्यू आ गया ये वाला टी वन बाई ई टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ पे लेते हैं वन बाई ई टाइम्स तो इतना डिस्टेंस हो गया वन बाई ई टाइम्स एच नॉट। तो ये जो डिस्टेंस हो गया यहाँ जीरो से लेके इसको हम लोग मानते ए तो जीरो से लेके ए का जो डिस्टेंस हो गया वही हो गया लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ, इसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। यहाँ से ये डिस्टेंस ओ से ए का जो डिस्टेंस हो गया वही हो गया लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ। तो जनरली जो लंडन पेनिट्रेशन यहाँ पे जो लेमडा होता है पॉइंट वन से लेकर के ये लेमडा जो जनरली होता है पॉइंट जीरो वन से लेकर के वन 0.0 माइक्रोमीटर तक होता है। ये तो क्या अप्लाइड फील्ड, ये हो गया अप्लाइड फील्ड और ये हो जाएगा x एक्सिस हो गया x मतलब पेनिट्रेशन डेप्थ, इसको हम लिख सकते हैं ये हो गया y एक्सिस पे अप्लाइड फील्ड है और x क्या है पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन डेप्थ हो गया ये पेनिट्रेशन डेप्थ। तो जितने डिस्टेंस पे हो जाता है वन बाई टाइम उसी को बोलते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ। अब यहाँ पे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है तो इसके यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं और आप तो यहाँ पे डायग्राम जब बनाते हैं तो ये देखिए ये इस टाइप का आता है। यहाँ पे जीरो केल्विन पे तो यहाँ पे टेम्परेचर का डायग्राम यहाँ पे लेते हैं टी और यहाँ पे अगर ये हो जाता है टी सी
इसका जो ग्राफ होगा यहाँ पे इस टीसी हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ये इस टाइप का आता है और उसके बाद सीधे जैसे टेम्परेचर के पास आता है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल यहाँ पे हो जाता है। इसको खोल लेते यहाँ पे लेटर में से करके था और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म हो जाता है। ये था लैम्डा नॉट जीरो केल्विन पे। तो यहाँ लोग फिगर से देखते हैं कि पेनिट्रेशन डेप्थ कि जब टेम्परेचर कम रहता है टीसी से कम रहता है तो ये पेनिट्रेशन डेप्थ ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता जाता है मतलब यहाँ पे लोअर टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होता है, जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ता जाता है तो इसमें एकदम बहुत ड्रेस्टिक चेंज आता है। तो ड्रेस्टिक चेंज यहाँ पे आने लगा जैसे जैसे बढ़ता गया और जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर के पास जाता है उसके बाद क्रॉस करता तो वो नॉर्मल कंडक्टर हो जाता है और पूरा का पूरा पेनिट्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाता है पेनिट्रेशन डेप्थ करके। तो इसलिए जब टेम्परेचर कम होता है तो पेनिट्रेशन कम होता है, जैसे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर जैसे हो गया तो वहाँ पे वो नॉर्मल कंडक्टर हो जाता है और पेनिट्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर और पेनिट्रेशन डेप्थ के बीच हम लोग यहाँ पे लेते हैं लेमडा और टी के बीच में। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ। तो पेनिट्रेशन डेप्थ होता है कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं तो सडन जीरो नहीं होता एट द सर्फेस बल्कि वो एक्सपोनेंशियली डीके करता है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली डीके करता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ। यहाँ पे कि यहाँ पे जो अप्लाई करते थे उसी को लिख सकते थे कि यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियली डीके ऐसे सपोज ये एक्सपोनेंशियली डीके करता था और जितने डिस्टेंस तक ये 1/e टाइम्स हो गया सरफेस पे जो भी वैल्यू था उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ। लंडन साइंटिस्ट ने किया था इसलिए इसको हम लोग उसके रिस्पेक्ट में कहते हैं लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ। थैंक यू।